Sony Live. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. हेलो हेलो जॉली जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन माय सेल्फ टीचर विद थैंक यू माय सेल्फ टीचर विद्यावती. और इस कोच में कोच पहनकर बहुत आग लगा रहे हैं सुना मैंने. अगर आदत है थोड़ी बहुत आग लग जाए तो क्या प्रॉब्लम है. वैसे आपको एक बात बता दूं. जी बताएं. आपका एक डायलॉग मेरे पे बहुत सूट करता है. कौन सा? जो मैं लिखाती हूँ वो मैं पढ़ाती हूँ और जो मैं नहीं लिखाती वो तो मैं डेफिनेटली पढ़ाती हूँ. अक्षय भाई, लोग मुंबई में आके करियर बनाते हैं स्ट्रगल करके. इन्होंने बहुत मेहनत करके जूड़ा बनाया है. ज़्यादा बोला तो मैं इससे ना इस हथौड़े से ऐसे ऐसे ऑर्डर कर दूंगी, सबको लगेगा छुट्टी होगी, सब चले जाएंगे, फिर आप अकेले शो करते रहना. देखिए आपको जो भी बोलना है आप कटघरे में आके बोलिए, यहाँ पे अदालत लगी हुई है. एक लेडी कच्चे में अच्छी नहीं लगती. क्या? एक लेडी कच्चे में अच्छी नहीं लगती है कटघरे में. ओके माय बैड. ओके जो भी आपने कहना फटाफट करिए. 10:30 के बाद CID वालों को भी आना. चलिए वकील साहब. इतना मेलोड्रामा क्यों, क्या हुआ? आराम से अपनी बात कहें. वकील साहब जी, भगवान ने अच्छे खासे लड़के बनाए थे लेकिन इस इंसान ने उन्हें लड़की बना दिया. आपको पता है उस वजह से लोग मुझ पे भी शक करते हैं. इसकी वजह से मैं आज तक सिंगल रह गई हूँ. सिंगल तो रहेगी ना अक्षय भाई, ये कोई भी बॉयफ्रेंड बनाती है उसको जाकर कहती 79 का पहाड़ा सुनाओ तो आदमी क्यों रहेगा आपके साथ. मैं और नहीं जवाब देता तो अपने बॉयफ्रेंड को मुर्गा बना देती है. हां तो बॉयफ्रेंड को मुर्गा बनाऊंगी, मुर्गे को बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती मैं. और वैसे भी अगर मैंने मुर्गा वाला बॉयफ्रेंड बना भी लिया तो मेरे बच्चे नहीं होंगे, उससे शादी के बाद हमारे चूजे होंगे और सुबह सुबह रोज बुझुड़ के बोलेंगे पक 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 पकाओ पक 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 पकाओ. मैं पकने जाऊंगी. आपका अगर मुर्गा बॉयफ्रेंड होता भी है, माय लॉर्ड पॉइंट बी नोटेड. जी नोट कर रहा हूं. कल को आपको भूख लगती है तो बॉयफ्रेंड का बटर चिकन भी तो बना सकती हैं आप तो खाने पीने की बात मत ही कीजिए. वकील साहब, इनके मोहल्ले में इकलौती टीचर हूँ मैं लेकिन इस इंसान ने एक कप चाय का भी मुझे आज तक नहीं पूछा. आप भी बता लीजिए, आपको पूछेगा भी? अक्षय कुमार वो चाय पीते नहीं तो मैं क्यों पूछूं उनसे? लेकिन पूछना तो चाहिए. चाय पियेंगे आप? मैं चाय पीता ही नहीं. आप मेरे बारे में गलत क्यों अफवाह फैला रही? अब क्योंकि आप आ ही गए हैं तो एक बात कहना चाहती हूँ. विद्यावती आप ये क्या कर रही हैं उनके साथ, बताइए बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? मेरी बात सुन. तू जलता क्यों? तू हमेशा जलता. तू मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? मेरे बच्चे हैं ही नहीं. उनके तो है ना, इतनी खूबसूरत बीवी, उनकी दो बच्चे उनके. अरे तो उनको खतरों से खेलने का शौक पहले से ही है. तो क्या हुआ? और वैसे भी क्या परेशानी है तुम्हें? मुझे कोई परेशानी नहीं. हाँ, कोई भी हीरोइन आती है तुम छोड़ते नहीं हो उसे. पिछले वाले में भी मैंने देखा था. क्या करी हो? मैं एक बात कहना चाहती हूँ. ये जूड़ी को मैं बड़ी देर से तुम्हारा साइड ले रहा हूँ, अब तुम तमीज से पेश आओ. मैं बिल्कुल तमीज से. मैं एक बात कहना चाहती हूँ. जी बिल्कुल, ऐसे ऐसे एयर इंडिया की तरह रहो. हाँ पूछो. सर दरअसल इस चूड़ी को मैंने पाल पोस के बड़ा किया है. वेरी गुड. अब मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया में इसका नाम हो. सर आप यू आर अ वेरी गुड स्टंटमैन. मैं चाहती हूँ जूड़ा पकड़ कर आप घुमाएं मुझे, भी स्टंट सिखाएं मुझे, यहाँ वहाँ फेंके मुझे, हवा में उड़ाएं. मैं चाहती हूँ इसका नाम दुनिया में हो कि अक्षय कुमार ने इसे उखाड़ा है. आप बावली हो गई. सर मैं विद्या, मैं लोगों को, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाता हूँ, उनके झुंडे पूर दूं मैं. आप अपने नाम बनाने के चक्कर में मेरा नाम बिगाड़ दीजिए. सिर्फ सेल्फ डिफेंस सिखा दीजिए. हाँ ये कहिए ना, सेल्फ डिफेंस सिखा दीजिए, झुंडा झुंडा पूट लें आपका. आई लाइक यू, यू आर वेरी इंटेलिजेंट. प्लीज बी माय स्टूडेंट. यस आई विल बी योर स्टूडेंट. ओके सो लेट्स डांस. यस प्लीज लेट्स डांस. म्यूजिक प्लीज, कम ऑन. सर पंजाबी में बोला जुंडे पुट दो, एक बार फिर कह दो. बड़ा स्वीट लग रहा है आपके मुंह से. आप अगली बार जुंडा करके आइएगा, आपका जुंडा पुटवा देंगे उनसे. चलिए मैं, उन्होंने अगर कुछ पूछा है तो जी
जी देखिए, मैं आपका जूंडा नहीं पूटूंगा। थैंक यू सो मच। आप चले? हाँ जी, जा रही हैं। बिल्कुल, आपकी वेट। ओके मैम, नाइस मीटिंग यू। आपकी कार के पास आई एम वेटिंग। ओह माय गॉड, सेतु जी इज बैक। सेतु जी, आपको मैंने वैलेंटाइन डे वाले दिन बहुत मिस किया। नहीं, ऐसा वैसा मत समझिए, वो चार पांच बॉयफ्रेंड्स के लिए आपसे रोमांटिक शायरी लिखवानी थी ना। हेलो कंगना जी, आई एम विद्यावती टीचर। हेलो, डरिए मत, मैं असली हूँ। मैं बिल्कुल नहीं डर। मैं असली हूँ। शायद जी एक बात बताऊँ आपको जी। आपके इंतजार में मैं आज तक किसी से निपटी, पता है? लेकिन शायद मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, बहुत 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 नाराज हूँ। मुझे आपसे तलाक चाहिए। तलाक लेने के लिए तो शादी करनी पड़ती है। आई डोंट माइंड, पहले शादी कर लेते, तलाक का देखते रहेंगे। ठीक कह रही हूँ ना कंगना जी? और वैसे आपसे भी एक बात पूछनी थी मुझे। आप इतनी सुंदर हैं, इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं आप। आप एक कपड़ा दो तीन बार से ज्यादा तो नहीं पहनती होंगी ना? तो वो कपड़े अगर आप किसी मजबूर बेसहारा को दे दें तो? कौन मजबूर और बेसहारा? मैं? अरे मेरी सारी तनख्वाह है ना इस जोड़े को पालने में निकल जाए। मैंने 8 साल लगाए, इसे बड़ा किया है मैंने, पाल पोस कर बहुत पैसे खर्च होते हैं। इससे अच्छा तो नींबू का पेड़ लगा लेती ना, बड़ा होकर संतरे का बन जाता वो। इतना जुड़ा कौन पालता है? ऐसी स्टुपिड टीचर है, पता कि बच्चे पूछते मैम अलजेब्रा क्या होता है, कहती जेब्रा का बड़ा भाई। पागल। देखिए ऐसे बात करता मेरे से, मैं तो इतना लाइफ खराब है, इतना लाइफ खराब है। इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है कंगना जी, क्या बताऊं मैं आपको। लेकिन अब मैं अपनी लाइफ बदलूंगी, अब मैं हीरोइन बनूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। मेहनत तुमने क्या करनी है? तुमने कौन सा सिक्स पैक बनाने जाके? तुम थोड़ा और इंतजार करो, 50-60 साल, कोई नहीं देगा काम तो फिर जो दिल करे कर लेना। अच्छा, इंतजार तुम करो, जब मैं तुम्हारे शो पे सुपरस्टार बन के आऊंगी ना, तो तुम मुझसे पूछोगे आपको कैसे लग रहा है। तुम्हारा तो पता नहीं, बट मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और सिद्धू जी आप क्या हंस रहे हैं ऐसे करके? आप भी मेरे लिए शायरी बोलेंगे? ओ गुरु, किसने है मेरी मिठाई खाई, किसने है मेरी मिठाई खाई, थोको ताली शो पे विद्यावती आई। कपिल शर्मा जी, मैं जा रही हूँ डॉक्टर से अपना मेक ओवर कराने, एंड आई बी बैक। आप गलत फिल्म में घुस आई हैं, यहाँ से रिटर्न लीजिए आप। रिटर्न करके अवार्ड भी ले लिया मन्ने, लगता है फिल्म में देखी तन्ने है, तन्ने बैठ मन्ने। बात करते देखो भी मारी फिल्म में हमारे दूल्हे के साथ यो मैडम ने शादी कर ली। ओह, मैं तो कुंवारी रह गई। मैडम आप तो क्वीन में भी रिश्ता टूटने के बाद भी हनीमून पे हो आए। हाँ जी, मन ने ना नसीब हुआ है दिन। अभी भी मैं कुंवारी हूँ, लेकिन मैं सुने है कि इस फिल्म में भी आपके दो दो हीरो हैं। जी जी, 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 जी। एक तो आज मैं लेके जाऊं तो क्या बोलो? नहीं, ये क्या एक लेके जाऊंगा, गरीबों में स्वेटर बन रहे हैं इधर आके, आप एक ले जाएंगे, क्या हो रहा है? साई जी मेरी बात सुनो, मैं आपको साफ साफ बोल रही हूँ, आई लव यू। जो आपको कोई प्रॉब्लम है तो अभी बोल दो। आई लव यू टू। देखो हो गया, पर इनकी आई लव यू टू में इनकी साफ साफ ना है। मारे और इनके बीच में तन्ने बड़ा साथ के साथ खड़ बन के बड़न से बीच में। साई जी हमारे साथ एक डांस कर लो। हाँ जी, जो हमारे से इंप्रेस नहीं हो गया अमन ने कह दियो गो। अब एक क्या, मैं दो तीन चार, आप जितने बोलो मैं करूंगा आपके साथ डांस। चलो ठीक है फिर, रेडी भी एक मिनट। ये क्या म्यूजिक, ये क्यों खा रही हैं आप? बजट कम है, तुम्हारा दांत नहीं है।
मैडम आपके पिताजी भी पागल थे कि आप अकेली हैं? ये क्या कर रही हैं आप? जहाँ से सारी जुएं आपकी वहां पे गिर रही निकल निकल के। मारी गलती नहीं, डॉक्टर ने मरने में एक ओवर दिए सू। अब बेइज्जती होगी, मैं जाऊं सू। तो हॉकी तो लेके जाओ अपनी। सो गुड यार, यू डिड सच अ गुड जॉब। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।